अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो YouTube एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में सालाना। आप अगर आपके पास कोई भी पार्टिकुलर टैलेंट है तो एक YouTube चैनल बना के आप यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके पास YouTube चैनल नहीं है तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे एक YouTube चैनल क्रिएट किया जाता है, कैसे उसमें बैनर लगाया जाता है, कैसे डिस्क्रिप्शन डाला जाता है, कैसे टैग लगाया जाता है, सब कुछ बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले आपको YouTube का एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड कॉर्नर में दिया हुआ है लोगो, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस का साइन दिया हुआ है, अकाउंट्स के बगल में प्लस का साइन दिया हुआ है। यहाँ से आपको इसमें एक नया ईमेल आईडी बनाना है, जिसमें यहाँ से देखिए क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे अब डेट ऑफ बर्थ आपका मांगेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना है, जेंडर क्या है वो दे देना है। उसके बाद फिर से इसको नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, तो उसके बाद जेंडर में मेल दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको चूज़ करना है आपका एक ईमेल आईडी। तो हम अभी थोड़ा सा जल्दी में बना रहे हैं, तो कोई भी एक ईमेल आईडी इसको चूज़ कर लेते हैं, कोई भी नंबर डाल के जल्दी जल्दी इसको एक ईमेल आईडी बना लेते हैं यहाँ से। ओके, देखिए मेरा एक ईमेल आईडी बन गया। यहाँ पे एक पासवर्ड दे देना है, पासवर्ड देने के बाद यस आई एम इन कर देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे इसको एग्री करने के लिए, इसको यहाँ से एग्री कर देना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको यहाँ पे एग्री कर लेना है। ओके, आपका एक ईमेल आईडी अब ये बन गया। अब यहाँ से हमको यूट्यूब चैनल ओपन करना है, तो उसको कैसे करेंगे? ये गूगल सर्विसेज में इसका जो भी है बैकग्राउंड डेटा बैकअप ले रहा है। यहाँ से अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि हम अपना कौन सा मेल आईडी बनाए थे। देखिए सबसे नीचे में दिया हुआ है एक मेल आईडी ये बना है। ओके, अब हम ये राइट साइड देखिए एज जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड कॉर्नर में वहाँ पर क्लिक करके योर चैनल में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अब एडिट करना है कि आप किस टॉपिक पर अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हो। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद योर चैनल में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे देखिए नेम है, उसको एडिट करना है। यहाँ पे जैसे मैं अमित ब्लॉग लिख देते हैं, एक ब्लॉग का चैनल बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अमित ब्लॉग लिख देते हैं। यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए हैंडल आपको दे दिया है अमित ब्लॉग 3695, ये यूट्यूब की तरफ से आपको दे दिया गया है हैंडल। ओके, अब इसमें क्या करना है, आपका प्रोफाइल पिक्चर और YouTube बैनर इसमें सेटअप करना है और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है। ओके, तो हम क्रिएट चैनल पे जाएंगे। क्रिएट चैनल पे जाने के बाद हम इसका पूरा मेन इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए पेंसिल बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको नेम दिया हुआ है, नेम तो चेंज कर दिए, हैंडल दिया हुआ है, URL दे दिया है YouTube की तरफ से, अब डिस्क्रिप्शन लिखना है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे ये पेंसिल बटन पे। देखिए हम अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप कर दिए। ओके, यहाँ पे देखिए हे गाइस आई एम अमित सिंह, जो भी है अपना डिस्क्रिप्शन लिख देना है। यहाँ पे जिस टॉपिक में बना रहे हो आप, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप कर देना है। अब बचा क्या है इसमें, एक प्रोफाइल पिक्चर यानी कि लोगो बचा है और बैनर। तो एक कैनवा एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाके हम लोग अभी लोगो और बैनर बनाएंगे। तो कैनवा एप्लीकेशन एक यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है यूट्यूब चैनल लोगो। ओके, ऊपर में यहाँ पे सर्च करना है YouTube चैनल लोगो, आपका एक ऑप्शन आएगा, उसमें बहुत सारा टेम्पलेट्स दिया रहेगा, जो भी टेम्पलेट्स यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। अगर क्रिएट करना चाहो खुद से एक टेम्पलेट तो यहाँ पे वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो हम एक कोई एक टेम्पलेट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं ये देखिए टेम्पलेट है हार्ले इंडिगो, इसको हम चूज़ कर लिए। अब यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें बस खाली अपना चैनल का नाम डाल देना है। ओके, जैसे मैं ये हार्डले इंडिगो लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना है। और उसके बाद जो आपका चैनल का नाम है, जिसमें मेरा चैनल का नाम है अमित ब्लॉग, ओके, तो उस पर जाके टेक्स्ट में जाके नीचे से यहाँ पे ऐड सब हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ से आपका जो भी चैनल का नाम है वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर इसका थोड़ा इसको बोल्ड कर देना है, यहाँ पे थोड़ा कलर कर देना है, तो वो सब बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैं अमित ब्लॉग लिख दिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ओके, यहीं से इसको खींच के बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद नीचे में देखिए ऑप्शन दिया हुआ कलर का, कलर चेंज करने का, कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से आप जो भी कलर रखना है। जैसे हम येलो रखना चाहते हैं तो येलो हम रख दिए। ओके, अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, बगल से एडजस्ट कर दिए हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे और ऊपर में देखिए दिया हुआ है डाउनलोड बटन, उस पर क्लिक कर देना है। ये मेरा डाउनलोड हो गया, सीधा गैलरी में चला जाएगा। ओके,
मेरा लोगो बन गया है। अब सबसे पहले जाके अपना YouTube चैनल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर वही लोगो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ से जाके फिर हम अपना YouTube नया YouTube चैनल जो बना है उसका लोगो चेंज करना है। यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक साइन जहाँ पे है ना वहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ, उस पे क्लिक करने के बाद अपना जो आप बनाए हुआ भी लोगो उस पे क्लिक करना है और यहाँ सेट एज ए प्रोफाइल पिक्चर कर देना है। ओके, ये आपका अपलोड हो रहा है, ये आपका प्रोफाइल पिक्चर में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया। ओके, अब बच्चा हम लोगों का क्या एक यूट्यूब बैनर, उसको भी अभी हम बना के दिखाते हैं आपको। ओके, कैनवा ऐप एप्लीकेशन ओपन किए। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या सर्च करना है, यूट्यूब चैनल बैनर। ओके, यूट्यूब चैनल बैनर देखिए ऊपर में ही दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल बैनर। इसमें भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएगा, जो भी आप टेम्पलेट्स यूज करना चाहो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, नहीं तो अगर आप अपना खुद से बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ओके, जिसमें हमने इसको चूज किया है ब्लू मॉडर्न समथिंग करके कुछ लिखा हुआ है, उसको वो टेम्पलेट हमने चूज़ किया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हम लोग लोगों में किए थे एज इट इज़। इसमें बस अपना चैनल का नाम चेंज कर देना है। ओके, और इसमें कुछ नहीं करना है, और जो थोड़ा मोड़ा इसका एडवर्टाइजमेंट है उसको डिलीट कर देना है यहाँ से। जिसमें ये देखिए दो तीन चीज़ है नीचे में दिया हुआ, इसको डिलीट कर देना है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर देना है। जो जो यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ आपका चैनल के लिए नहीं है उसको डिलीट कर देना है, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे ऐड करना है उसको डिलीट करके आप अपना नेम या कुछ भी जो ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपना अमित ब्लॉग लिख दिए। ओके, अब इसमें आपको कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है, इसको मिडिल पोर्शन में लाना है, जो भी करना है आप यहाँ से इसको कर सकते हो। जैसे मैं इसको देखिए मिडिल में ला दिए, अब इसका थोड़ा सा इसका बोल्डनेस बढ़ा देंगे। ओके, कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर रखना चाहो आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, जैसे मैं देखिए हम इसको येलो ही रखते हैं, उसको थोड़ा सा अब यहाँ पे बोल्ड फॉर्मेट में इसको ला के बोल्ड कर दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर में दिया हुआ डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये मेरा सीधा गैलरी में चला जाएगा एज इट इज़। जिस तरह हम लोग यूट्यूब लोगो चेंज किए उसी तरह इसको भी चेंज करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। अब हम यहाँ पे अपना चैनल ओपन कर लिए हैं, योर चैनल पे जाना है, पेंसिल बटन दिया होगा उस पर क्लिक करना है, और यहाँ देखिए राइट साइड कॉर्नर में दिया हुआ है कैमरा का ऑप्शन, यहाँ पे चूज़ कर लेना है। चूज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, गैलरी से चूज़ करके आप इमेज देखिए चूज फ्रॉम योर फोटोज़। आपको गैलरी में जाना है, गैलरी से देखिए आप अपना जो टेम्पलेट बनाए थे, ये सॉरी बैनर जो बनाए थे यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें तीन तरह का दिया हुआ है, टीवी मोड में अमित ब्लॉग, ये क्या कहता है ऑल डिवाइसेस के लिए, डेस्कटॉप के लिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके जूम इन कर देना है। ये देखिए जूम इन कर दे रहे हैं, उसके बाद इसको शेड कर दिए। शेड करने के बाद यहाँ से इसको हम शेव कर लेंगे। ओके, देखिए मेरा जो भी मोबाइल में देखेगा ना इतना ही दिखेगा, अमित ब्लॉग इतना पार्ट। ओके, यहाँ से हम इसको शेव कर दिए। अब मेरा पूरा चैनल क्रिएट हो गया है, देखिए मेरा ये बैनर भी चेंज हो गया, लोगो भी लग गया, क्या कहता है नेम भी दे दिए, हैंडल भी हो गया है, चैनल यूआरएल भी मिल गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया है, प्राइवेसी वगैरह भी मतलब इनेबल कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए मेरा कंप्लीट चैनल बन चुका है। अब यहाँ से आपको जो भी अपलोड करना है, क्रिएट ए शॉर्ट करना है, क्रिएट ए अपलोड ए वीडियो करना है, गो लाइव कुछ भी करना है आप यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ देखिए नीचे में दिया हुआ है क्रिएट, यहाँ से क्रिएट करके आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।